गुड मॉर्निंग। तो आज अपन जा रहे हैं केलवा और सातपाती बीच। आज का वेदर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, आज बारिश होने वाली है। और ये मेरा दोस्त स्वागत, बहुत दिन से प्लान कर रहे थे कि जाना है पर आज मौका मिला तो आज जा रहे हैं। तो चलो अभी लेट्स गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, निकल पड़े हैं यहाँ से कम 70-80 किलोमीटर दूर है। और क्लाइमेट देखो भाई, मुझे लगा आज बहुत सारा धूप होगा, तो पूरा बारिश का मौसम है। बारिश की बूंदे थोड़ी बहुत गिर रही है, आई होप ज्यादा बारिश आ गई तो अपनी तो लग गई भाई, क्योंकि बारिश का सामान कुछ लाया नहीं है मैंने। बारिश होने वाली, पूरे काले बादल छाए हुए इधर। Two hours later. रुके थे, चाय वगैरह पिया, अभी जा रहे हम साटपाटी बीच। साटपाटी जो है ऑलमोस्ट 85 किलोमीटर्स, 2 घंटे लगेंगे। तो चलो अभी, और अभी बारिश का मौसम चालू होने जा रहा है, पहला मानसून है मेरा इस बाइक के साथ। बसली ना बस तो चलो, अभी बारिश की बूंदी भी बरस रही है, आई होप तेज बारिश ना आए, नहीं तो हमारे तो लगने वाली है। बारिश गिरी हुई थी पहले जी, यार स्मेल क्या जबरदस्त आ रहा है यहाँ पे, जो मिट्टी में पानी की बूंदें गिरती है, वाव ऑसम स्मेल आ रहा है। थोड़ा सा हम अभी तरह स्लो ही चलाएंगे, थोड़ा सा डर लगता है मेरे को, पहला बारिश है तो बारिश ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। भारी बारिश है ना, बहुत पड़ रहा है इधर कटक। पहली बारिश चालू हो चुकी है, तो हमने सब मोबाइल वगैरह बैग में डाल दिए, हमें चालू पड़ते हैं। आई डोंट नो आवाज आ रही है नहीं यार इसमें, डाल दे moments later। यहाँ पे बारिश नहीं है, मेन बिजनेस के पैच में जो है वो बारिश हो रही है। अभी हमने हाईवे छोड़ के अंदर आ गए, यहाँ से 29 किलोमीटर दूर है अपना शीट पार्टी समझी उसका नाम है, शीट पार्टी। क्या बोली, धूप निकल रही है, मेरे को मेरी बाइक की छाव आगे दिखाई दे रही है, क्या बात है, धूप ना निकले तो वह अच्छा है, ऐसे बहुत मजा आ रहा है मेरे को। और ये मिट्टी की स्मेल यार, मिट्टी खाने का मन कर रहा है अभी मेरे को मजा आ रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर बाकी है, 14-15 किलोमीटर बाकी। ये वही रास्ता है जो शेरगांव का है, तो इसलिए मैंने इतना रोड का इतना कुछ ज़्यादा लिया नहीं है,
तो अभी बस 15 किलोमीटर बाकी है, तो अभी पहुंच जाएंगे अपन। ओके, तो अभी निकलते हैं अपन, 14 किलोमीटर बाकी है। चलो, मेरी बैटरी भी खत्म हो गई है और प्रॉब्लम ये हुआ है कि साला मैं पावर बैंक भी भूल गया, जिंदगी झंड है मेरी। A few moments later. तो अपन पहुंच गए अभी, बीच से नाम क्या है? साटपाटी, सॉरी। तो बीच नेम इज साटपाटी और हम अभी पहुंच गए हैं। पूरा बीच खाली है और आज शायद लो टाइड है। अभी यहाँ पे पीछे जाने गए, यहाँ पे वहाँ पे जो मच्छियाँ पकड़ कर सुखाते हैं वहाँ पे जाते हैं, देखते हैं। भाई अपना राउंड मार रहा है खुले रेत में। तो चलो अभी क्या बोल रहे छोटे, without heart in your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one, you was being bad. पूरा बीच खाली है और बहुत मजा आ रहा है। थोड़े घर तो अभी बीच पूरा खाली है, वहां पे जाके अभी हम लोग फोटो शूट करते हैं। का मेन पार्ट ये है कि आज धूप नहीं है, पूरा जो क्लाइमेट है वो बारिश का क्लाइमेट है, तो बहुत मजा आ रहा है। मुझे थोड़ा डर था कि साला धूप रहेगा तो वाट लग जाएगी, बट इट वाज ऑसम। बारिश भी आई थी बीच में, थोड़े से गीले हो गए थे हम, पर मजा किया। क्या बोलता भाई? एक नंबर भाई, ये बड़े मियां है ये छोटे मियां, बस सेम ही बड़े मियां है ये छोटे मियां, बस गाल भरे हुए हैं इसके, गाल नहीं है। तो अभी अपने साथ है एक बाहुबली, बाहुबली हाँ जी हाँ, बाहुबली है हमारे साथ, दिखाएंगे आपको। महेंद्र बाहुबली, साटपाटी से ये जो पूरा मंजर आपको दिख रहा है वो साटपाटी का है। बाजू में सब सारी नौका है, ओड़ी बोट। मेरे सामने आप जो देख रहे हैं ये है शिरगांव फोर्ट, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। शिरगांव फोर्ट इसका भी वीडियो मैंने बनाया है,
लिंक पे डाल दूंगा, देखो मस्त है फिर गाँव पर. ये हंसी वादियाँ ये खुला आसमां आ गए. अभी 5.5 किलोमीटर बाकी है केलवा बीच के लिए. धूप भी बहुत तेज निकले अभी, पर ये जो हरी भरी झाड़ियाँ दिख रही है इसके इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा. लुक वेरी 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 गुड. ए फ्यू मोमेंट्स लेटर. तो अभी हम पहुँचे हैं केलवा बीच. यहाँ पे मेरे पीछे पूरा बीच है, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ पे फोर्ट पे. हम लोग यहाँ पे तकरीबन 11 बजे पहुँचे हैं. बहुत धूप निकली है, अभी बारिश का पता ही नहीं है, एक बादल नहीं दिख रहा ऊपर. अभी जा रहे हैं यहाँ पे केलवा फोर्ट के उधर, देखते जा रहा. तो मेरे पीछे ये अपना केलवा फोर्ट, तो चलते हैं. ये उसका एक छोटा सा एंट्री है. तो केलवा फोर्ट में देखने लगा इतना कुछ है नहीं, बस थोड़े बहुत फ़ोटोशूट वगैरह किए हम लोगों ने. बाकी अभी यहाँ पे गर्मी इतना हो रही है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है. Moments later. तो अभी बजे है 1:30 और हम लोग खाने के लिए बैठे हैं. मैंने मांगी है चिकन थाली, उसने मांगी है मच्छी रावस मच्छी, और अपने ये वेजिटेरियन मैडम. मस्त यहाँ पे एक होटल है कृपाशित लाई करके, वहाँ पे हम बैठे हैं. हम लंच करके इधर यहाँ पे बच्चों का गार्डन इधर आए हैं, और ये तो हमारा छोटे झूला झूल रहा है. एंड लंच वाज ऑसम. कुछ 140 कितना रहता है चिकन थाली, 170 फिश थाली, फिशल 250 और वेज 110. तो अच्छा है. Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, can't
chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. A few moments later. तो अभी हम पहुंचे केलवा बीच, यहाँ पे पानी यहाँ तक अभी आ गया। पहला सुबह आए तो बहुत कम था, पूरा लो टाइड, अभी हाई टाइड है शायद। मज़ा आ रहा है, धूप बहुत तेज है, हवा बहुत है, ये दोनों जा रहे हैं। स्टारफी जैसे मिल गया है, देखो। Make it last forever, stop in time. Yeah, I'm surrendering. Oh yo. मजे कर रहे हैं, बहुत एंजॉय बहुत हो रहा है। कुछ नहीं कर रहा है, पानी बैग संभाल रहा है। होता है तो मजे कर रहे हैं हम लोग। अभी थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। बहुत मस्त है वेदर, मस्त सब कुछ, मस्त। बाहुबली भी एंजॉय कर रहा है, देखो भाग रहा है, दौड़ रहा है, वीडियो आप देख ही लो। चलो ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, तो अभी हम निकल पड़े हैं यहाँ से। यहाँ से कम से कम 94 किलोमीटर दिखा रहा है। बस अभी कितना 15 या 16 किलोमीटर बाकी यहाँ से थाना, अभी हम पहुँच जाएंगे। ओवरऑल राइड इज़ ऑसम, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे मैं अपना ब्लॉगिंग एंड करता हूँ, तो गुड बाय, खुश रहो, मस्त रहो। और हाँ एक बात, थैंक यू वेरी मच फॉर 2000 सब्सक्राइबर्स, थैंक्स यू फॉर यूर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्यार देते रहो, अच्छा लगता है। चलो